कैसे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका चैनल डीके क्रिएशन में। जैसा कि फ्रेंड्स आपने मेरे थंबनेल को देख ही लिया होगा, अलग कोने सारे फोटो को देख ही सकते हैं, इसी कॉन्सेप्ट का मेरा वीडियो है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लगे बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को पूरी अंत तक देखिए। फ्रेंड्स अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ओपन कर लेना पिक्सआर्ट। जैसे कि फ्रेंड्स मैं अपने पिक्चर में आ चुका हूँ और मैंने अपने बैकग्राउंड को ऑलरेडी करके सेलेक्ट, मैंने भी इसका अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आपको डाउनलोडिंग कर लेना है। फिर फ्रेंड्स अपना इफेक्ट पे फिर ब्लर कर लेना है आपको। करने के बाद आपको जो ब्लर की साइज रखना है 8 रखना है आपको। फिर जैसे कि हमने कर लिया है, फिर उसके बजाना आपको एड फोटो बजाना है। वहाँ से जो आपने बैकग्राउंड को इरेज कर रखा है उस फोटो कर लेना सेलेक्ट। मैंने इसका इरेज करने की वीडियो मैंने अपने लिंक में डाल रखा है, वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। फिर इसे एडजस्ट कर लेना है जैसे कि हमने इसे कर लिया है। फिर इसके बाद जाएंगे फ्रेंड्स थोड़ा इरेज कर लेंगे इसे एंड साइज को बढ़ा लीजिए थोड़ा, ताकि फ्रेंड्स आपके लगे किसी क्लोथ पर आपको थोड़ा ब्लरिंग जैसा आए, थोड़ा इफेक्ट आना चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि मैंने इसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। और इसको स्क्रीन कर लेना है। फिर इसको आपको टैप करेंगे तो आपका पीछे हो जाएगा पूरा कवर। फिर सेकंड वाले पीएनजी को करेंगे सिलेक्ट, इसके साइज को रोटेट कर लेंगे, फिर से ब्लेंड कर देंगे और देन स्क्रीन। देख सकते हैं फ्रेंड्स अंदर चला गया, फिर से बाहर निकालेंगे। पहले साइज को बड़ा कर लीजिए इसे। जैसा कि देख सकते हैं हमने इसे कर लिया है, फिर से सेव कर लेना है आपको। सेव कर लेने के बाद आपको जाना है फिर ड्रॉप पहले टूल्स पे चलेंगे। अब थोड़ा सा इसमें ग्लो इफेक्ट लाने के लिए हम ब्लैच को टूल्स में फिर एडजस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर इसमें ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, इसको रखना है 15 पे। देन इसके सैचुरेशन को कर लेना कम, माइनस में रखना आपको 10 to 15 के अंदर रखना आपको। एंड देन इसके बाद हाईलाइट को थोड़ा प्लस कर लेना है, प्लस का बढ़ा लीजिए 4 to 5 रखिए आपको। फिर इसको जाकर इरेज कर दीजिए। देन साइज आप देख सकते हैं कि आप सबको इतनी साइज पर रखना है आपको। देन इसको फेस पे आप थोड़ा ब्रश करेंगे, ग्लो लाने के लिए हमें करना पड़ेगा। साइज को बढ़ा लेते हैं इसको। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं कि जो हमारे फेस पे थोड़ा ग्लो आ रहा है। फ्रेंड थोड़ा ध्यान से करना है, ठीक है आपको, ताकि इसमें जो आपका फेस ग्लो एकदम कूल नजर आएगा अगर आप इसको ध्यान से करते हैं तो। बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव होता है आपको फेस ग्लो पे लाने के लिए, इसे क्लोथ पे इजी से पूरा कर लेना है। जैसे देख सकते हैं कि हमने इसे पूरा कर लिया है। फिर इसे सेव कर लीजिए। सेव कर लेगा ब्राइटनेस पे क्लिक करना और उसको देख सकते हैं कि जो साइज है इसके थ्रू आप बढ़ा के देख सकते हैं कि जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह आपको इसे कर लेना है, ठीक है। आपको रखना इसको 5 to 10 to 15 रखना आपको अंदर। फिर से कर लीजिए सेव। सेव कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको जाना है ड्रॉ पे। जैसे कि फ्रेंड देख सकते हैं मैंने इसे ड्रॉ पे क्लिक कर लिया है। ड्रॉ पे क्लिक कर लेने के बाद फ्रेंड जाना है आपको एक एम्प्टी लेयर लेना है, जैसे कि हमारा ऑलरेडी अपना सेलेक्ट हो चुका है। फिर ब्लैक कलर को चूज़ करना है, फिर यहाँ से ब्रश कर लेना, ठीक है। ब्रश पे क्लिक करेंगे, देन इसके बाद आपको इसको साइज को बढ़ा लेना है, पूरा फुल रखना है एंड ऑपेसिटी को कर लेना है कम, ठीक है। 13 पर रखना है, फिर इसे सेट कर लीजिए। सेट कर लेने के बाद फिर फ्रेंड्स आपको नीचे से इसको थोड़ा स्वाइप करना है, ठीक है, ब्रश मारना है ताकि आपका थोड़ा ब्लैक आ जाए। जैसे देख सकते हैं हमने इसे कर लिया, फिर इसको ऑपेसिटी को कर लेंगे यहाँ पे कम।
इसको रखना है आपको 14-15 का रखना है, फिर से ट्रांसफॉर्म कर लेना है, ठीक है। साइज को बढ़ा के थोड़ा अब इसको एडजस्ट करना है आपको। आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कितना कूल नज़र आ रहा है इसमें ग्लो, जैसे कि हमारा जो डार्क ब्लैक आना चाहिए वो आ चुका है। फिर यहाँ से कर लीजिए आप सेव। फिर फ्रेंड्स समय आ चुका है लाइट रूम में इफेक्ट लाने के लिए। चलिए फ्रेंड्स मैंने अपना फोटो कर लिया सेलेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारे जो फोटो हमारा डिस्प्ले पे आ चुका है। देन इसके बाद जाना है आपको सेलेक्टिविटी पे, वहाँ से आपको स्क्रोल लगे उस पर क्लिक करना, नीचे से स्वाइप कर लेना आपको, ताकि आपके फोटो में थोड़ा सा डार्क नीचे से आ जाए, ठीक है। एंड देन इसके बाद लाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सपोज को कर लेंगे कम, ठीक है, माइनस में ले जाएंगे। एंड देन ब्लैक को भी कम कर लेना आपको, ठीक है। जैसे जैसे देख हमने कर लिया है, फिर से सेव कर लेना है। फिर आपको जाना है कलर पे, फिर मिक्स टूल पे क्लिक करना है। सॉरी फ्रेंड, मिक्स टूल पे क्लिक कीजिए, फिर जो रेड दिखा कलर उस पर क्लिक करना है और सैचुरेशन को कर लेना है कम, ठीक है। एंड पहले बढ़ा लेना है आपको, सॉरी ल्यूमिनस को बढ़ाना है आपको 66 पर करना है। एंड देन इसके बाद जो ऑरेंज का उस पर क्लिक करना है, सिचुएशन के पहले लेस करना है, माइनस में रखना है आपको। एंड ल्यूमिनस को रखना है आपको प्लस में 20 एंड 40 के अंदर रखना है आपको, 30-40 के अंदर रखना है। फिर फ्रेंड देख सकते हैं कि हमारा नेक्स्ट कलर हम क्लिक करेंगे स्काई ब्लू पे, यहाँ पे सिचुएशन कर लेंगे कम। एंड ल्यूमिनस को भी यहाँ पे पूरा माइनस में कम कर लेंगे। एंड ब्लू पे क्लिक करेंगे, एंड देन इसको भी सिचुएशन को यहाँ पे कर लेंगे कम। अपने हिसाब से फ्रेंड्स इसे एडजस्ट कर सकते हैं। फिर दिखा लास्ट कलर, यहाँ पे भी आपको ल्यूमिनस को भी माइनस में रखना है। देन पर्पल कलर दिखा उस पर क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको सिचुएशन यहाँ पर लेस कर देना पूरा, ताकि आपके फोटो में पूरा डार्क आ जाएगा। जो हमें इफेक्ट चाहिए हमारा इफेक्ट आ चुका है फ्रेंड्स। देन इसके यू को हमें बढ़ा लेना है एंड ल्यूमिनस को भी बढ़ा लेना है। फिर आपको लास्ट कलर दिखा उस पर क्लिक करना है, यू को 100 पर रखना है एंड सिचुएशन को भी 50-40 एंड ल्यूमिनस को 70 पर रखना है, ताकि फ्रेंड्स आपको जो बैकग्राउंड का इफेक्ट है तो आगे आ सकता है। फिर यहाँ पर कर लेना है सेव। देखिए फ्रेंड्स उसके बाद टेम्परेचर पर जाना है, क्लिक करना है एंड देन उसके बाद माइनस में से करना है, माइनस इसको 5-8 रखिए आप। एंड देखिए उस पर क्लिक करना है, इसको प्लस में रखना है आपको, इसको भी 5-10 रखिए। वेरियंस को यहाँ पे माइनस में रखना है, सैचुरेशन को यहाँ पे बढ़ा लेना, थोड़ा सा प्लस में रखना है आपको, इसको रखना है 5-10 रखना आपको। फिर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा जो हमारा इफेक्ट आ चुका है इस पर। एंड थोड़ा सा और इफेक्ट लाने के लिए फ्रेंड्स हम चलते हैं फिर इफेक्ट पे। फिर पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट टोन पे क्लिक करना है एंड ताकि हमारे फेस पे थोड़ा ग्लो आ जाए। फिर आप बैलेंस को बढ़ा लेना, शैडो को भी थोड़ा अपने नीचे से स्वाइप करना है, ठीक है, आपको बढ़ाना है। हाईलाइट को भी बढ़ा लेना थोड़ा। एंड यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है आप इसको बढ़ा लेस कर बढ़ा करके देख सकते हैं आप, ठीक है। जब से आपको एडजस्ट करना है आप कर सकते हैं, अपने फेस पे ग्लो ला सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स जैसे हमारा हो चुका है एंड यहाँ पे जो आपको ग्लो आ चुका है वो आ चुका है। फिर उसके बाद हम फ्रेंड टचअप पर क्लिक करेंगे एंड देन उसको रखना है आपको 5-10 पर रखना है, 10-15 अंडर। एंड क्लियरिटी को रखना है 5-10 के अंडर। एंड डिनेज को जरूर बढ़ाना है आपको, ताकि इसको रखना है आपको 15-20 के अंदर रखना है। विग्निटी को माइनस में रखना है एंड यहाँ पर ग्रीन अमाउंट को थोड़ा बढ़ा लेना है, ठीक है, आपको इसको रखना है 5-10 के अंदर रखना है। एंड शार्पिंग में आ चुके हैं हम, शार्पिंग में यहाँ पर बढ़ा लीजिए आप 5 में रखिए। एंड नॉइज ड्यूरेशन को बढ़ाना है, ताकि आपके फेस पे थोड़ा एकदम स्मूथ आ जाए, इसको रखना है 20-30 के अंदर रखना है आपको। जैसा कि फ्रेंड्स देख सकते हैं हमारा पूरा इफेक्ट हो चुका है, हमारा पूरा बैकग्राउंड एडिटिंग हो चुका है। फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स जरूर लाइक करें, साथ में शेयर करें, प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब माई चैनल। एंड देन उसके बाद आप इसको सेव कर लेना है।